नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि हमने जीरा और कोरिएंडर में एक नेगेटिव ट्रेंड आते हुए देखा, जबकि हमने टर्मरिक में पॉजिटिव ट्रेंड देखा। वहीं हमने कपास, कॉटन सीड, ऑयल केक में रिकवरी आती हुई देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि ग्वार सीड, ग्वार गम एक साइडवेज नोट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। कैस्टर में भी हमने एक साइडवेज ट्रेंड देखा। आज के लिए अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो जीरा कोरिएंडर में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जबकि टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। कपास, कॉटन सीड, ऑयल केक में भी खरीदारी कर सकते हैं। ग्वारगम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ग्वार सीड और कैस्टर एक साइडवेज नोट पे ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल इस प्रकार से हैं, जीरा सपोर्ट 23,500, रेजिस्टेंस 24,600, टर्मरिक सपोर्ट 6,950, रेजिस्टेंस 7,250, कोरिएंडर सपोर्ट 10,700, रेजिस्टेंस 11,000, कपास सपोर्ट 1610, रेजिस्टेंस 1655, कॉटन सीड ऑयल केक सपोर्ट 2340, रेजिस्टेंस 2440, ग्वारगम सपोर्ट 9,100, रेजिस्टेंस 9,600, ग्वार सीड सपोर्ट 4,740, रेजिस्टेंस 4,910, कैस्टर सपोर्ट 7,240, रेजिस्टेंस 7,440। आज के लिए जीरा कोरिएंडर में बिकवाली का ट्रेड बनाएं, टर्मरिक में खरीदारी करें, कॉटन सीड ऑयल केक, कपास, ग्वार सीड, ग्वारगम में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।